नमस्कार दोस्तों, सुजाता इंटरप्राइज यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों को दिखाएंगे जो बड़ा बड़ा रोस्टर मशीन बनता है, रिंग रोस्टर, उसको कैसे वेल्डिंग किया जाता है और कैसे वेल्डिंग करने से, किस चीज़ से वेल्डिंग करने से उसका लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा होगा और उसका जो क्वालिटी रहेगा मशीन का, जो सीट का क्वालिटी रहेगा, वो कैसे वेल्डिंग किया जाता है आप लोगों को आज दिखाएंगे। तो चलिए देखते रहिए। ये देख सकते हैं मिग का जो वेल्डिंग है, अभी ये जो लाइन है इसमें वेल्डिंग किया हुआ है, मतलब अभी अभी किया है। और इसके पास में जो है, देखिए बिल्कुल नज़दीक से देखिए, ये अभी खाली टैग मारा हुआ है, ये वेल्डिंग नहीं किया गया है। तो चलिए एकदम से कैसे मिग में वेल्डिंग होता है और कितना मोटा वेल्डिंग होता है आज वही आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यह है मिग वेल्डिंग, इसके ज़रिए हम लोग मशीन को बनाते हैं। और जो इसका वेल्डिंग है काफ़ी मोटा है, आपका मशीन का जो लाइफ है 8-10 साल, वो लंबा लाइफ के लिए मिग का वेल्डिंग है सबसे ज़रूरी, क्योंकि मशीन में आपका छेद भी नहीं होगा और जो बालू गिरने का चांस तो ज़रा सा भी नहीं रहेगा। और ये एकदम फिक्स बराबर हो जाएगा, ये जो वेल्डिंग जो है एकदम फिक्स बराबर, जैसे ये ड्राम कप देख रहे हैं फिक्स है राउंड में, वैसे आप इसको भी हम लोग फिक्स कर देते हैं ये मिग के ज़रिए। तो ऐसे बनाया जाता है, बड़ा वाला जो रोस्टर बनता है ऐसे बनाया जाता है। देखिए 10.5 फीट का रोस्टर है, 10.5 फीट का रिंग रोस्टर है ये, इसका भट्टी भी बनेगा। अभी रोस्टर तो कम्प्लीट नहीं हुआ है, होने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। इसका जो भट्टी रहेगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा, इसका जो डिलीवरी है घंटे का वो भी ज़्यादा है, 500-600 किलो का जो प्रोडक्शन है घंटे में मुरमुरे के लिए। 3 इंची सेफ्ट के साथ ये मशीन को बनाया जाता है अच्छा क्वालिटी के साथ। और मशीन का वज़न अगर ज़्यादा होगा तो इसका पतला जो सेप है उसमें नहीं टिकेगा, इसके लिए 3 इंच का सेप इसमें ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को हर दिन दिखाते रहते हैं हम लोगों का जो सीट है, सीट का क्वालिटी, ये चादर का क्वालिटी, इसका ऊपर डिपेंड करेगा आपका मशीन का लाइफ और प्रोडक्शन का क्वालिटी। अगर आपको अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्शन चाहिए होगा और मशीन का भी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो ये मोटा वाला सीट देके आपको मशीन को बनाना चाहिए। और ये हो गया जो 100 किलो का, 150 किलो का दो टाइप का मशीन रोस्टर अभी रेडी है, विदाउट भट्टी में है ये। देखिए ये हो गया 150 किलो का मशीन, और ये एक ड्रायर मशीन बन रहे हैं, इसका जो है अभी फ्रेम रेडी किया गया है। और जो ड्रायर का ड्राम रहता है, देखिए दो ड्राम भी रेडी है ड्रायर का, ये भी रेडी हो गया है। अब इसको बस फिटिंग करना बाकी है, फिटिंग करने के बाद ये पूरा कंप्लीट है, पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट है, देख सकते हैं आप लोग। फिटिंग करने के बाद ये चलेगा और काफ़ी बड़ा है ड्रायर, जैसे भी हम लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं, देखिए सब एकदम फिक्स कर देते हैं मिग से। तो चलिए आज का वीडियो में इतना है, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक मेरा चैनल में बने रहिएगा। और हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।